और लक्ष्मण को अहि रावण, जो रावण का चचेरा भाई है, वह पाताल लोक में ले गया और ले जा करके उसने वहां की देवी, पाताल लोक की देवी के ऊपर बलि देने की तैयारी कर ली। सबको अपनी माया, बड़ा माया भी था, रावण से ज्यादा माया भी, तो सबको अपनी माया विभीषण बन करके आया। विभीषण बन करके उसने जो है गुपचुप अपने राम लक्ष्मण को उठाया, ले गया पाताल लोक में ले गया। हनुमान जी महाराज इत्यादि सब उसकी माया से मोहित हो गए। विभीषण ने देखा राम और वो नहीं है, तो हनुमान जी कि हनुमान जी महाराज आप तो सब माया से पड़े। आप बोले महाराज अभी आप ही तो आए थे। हनुमान जी महाराज ने कहा विभीषण तुम ही तो आए थे, तुम ही तो आकर के कहा कि मैं इनको लेके जा। बोले महाराज वो मैं नहीं था। बोले अच्छा कौन? बोले मेरा रूप एक ही धारण कर सकता है। बोले कौन? अहि रावण। और बोले हनुमान जी महाराज जल्दी करो, आप सीधे पाताल लोक को। हनुमान जी महाराज पहुंचे, तो हनुमान जी महाराज जब पहुंचे तो देखा कि उन्हीं के समान आकृति वाला, व्यक्तित्व वाला एक वहां पर वानर बैठा हुआ है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, चौकीदार बना हुआ। वह समूचे पाताल लोक के उस राज महल की चौकीदारी कर रहा है, प्रहरी है, द्वारपाल है। हनुमान जी महाराज ने उसको देख करके, अंदेखा करके अंदर जाने लगे, बीच में आ गए। बोले कहां जाता है? बोले भाई तुम्हारा परिचय? बोले मैं हनुमान पुत्र मकर ध्वज। हनुमान जी महाराज चौंके, भैया ये मेरा पुत्र कब कैसे पैदा हो गया? मैंने तो विवाह नहीं किया, जरा विचार करिए ये कब पैदा हुआ। तो उस समय बोले तेरा तुम्हारा परिचय क्या है? बोले मैं हनुमान। अरे बोले आप तो हमारे पिताजी हैं। बोले कैसे हुए भाई? भाई लेकिन तुम पैदा कैसे हुए भाई, ये बताओ पहले। तो बोले आप जब समुद्र पार कर रहे थे तो उस समय आपके पसीने की, श्रम की एक बूंद पानी में गिरी और उस बूंद को एक मछली ने ग्रहण कर लिया, तो उस मछली के गर्भ से मैं मकरध्वज पैदा हुआ। हनुमान जी महाराज बोले बहुत अच्छी बात है बेटा, चलो अच्छी बात है, पिता पुत्र का मिलन हुआ, हो गया है, एक काम करो हमें अंदर जा। बोले नहीं महाराज हम आपको नहीं जाने देंगे। बोले क्यों नहीं जाने दोगे? बोले आपको अगर अंदर जाना है तो पहले आप हमसे युद्ध कीजिए, हमें पराजित कीजिए, तब हम आपको जाने देंगे। बोले क्यों? हम तुम्हारे पिता हैं। बोले भले ही पिता आप पहले हो, लेकिन उससे भी पहले अगर कोई धर्म होता है तो वह होता है स्वामी धर्म। हम जिसके संरक्षण में, जिसके अधीन रहते हैं, हमें पहले उसके प्रति अपने सारे धर्मों का निर्वाह करना पड़ता है। हनुमान जी महाराज बोले मतलब तुम युद्ध करोगे? बोले हम युद्ध करेंगे। हनुमान जी महाराज बोले रहने दे भाई। हनुमान जी महाराज को गुस्सा आई, युद्ध में दो तीन थप्पड़ लगाए, पूंछ में बांध लिया, बांध करके भीतर पहुंच गए। अब वहां पर बड़ी विकट परिस्थिति। बोले अहि रावण तब ही मर सकता है। अहि रावण ने मरने के लिए एक व्यवस्था की हुई है। बोले क्या व्यवस्था है? अहि रावण ने पांच दिशाओं में पांच दीपक लगाए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और एक आकाश। इन पांच दिशाओं में पांच दीपक हैं और अहि रावण ने को वही व्यक्ति मार सकता है जो इन पांचों दीपकों को एक साथ बुझा दे। शर्त है, जैसे बाली को मारने की शर्त थी ना, सुग्रीव बोला महाराज बाली को वही व्यक्ति मार सकता है जो इन सात वृक्षों को एक वक्त से समाप्त करे, एक बार में गिरा दे। राम जी बोले कौन सी बड़ी बात है, राम जी ने बाण मारा एक बार में। और इसे ही अहि रावण को मारने की भी एक व्यवस्था थी कि अहि रावण को वही व्यक्ति मार सकता है जो इन पांचों दिशाओं में इन पांचों दीपकों को बुझा दे एक साथ। हनुमान जी महाराज के सामने बड़ी परिस्थिति विकराल में। उसी समय हनुमान जी महाराज ने अपने स्वरूप का विस्तारीकरण किया और एक हनुमान जी महाराज ने अपने पंच मुखों का निर्माण किया, पांच मुख पांच दिशाओं में बनाए और पांच दीपक बुझा दिए। ये दर्शन हम और आप लोग देखते हैं, पंचमुखी हनुमान। और उस समय पर राम और लक्ष्मण जी को वहां से सुरक्षित लेकर के आए हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज जब वहां गया तो पूंछ में वो मकरध्वज बना हुआ है। हाँ, पूंछ में मकरध्वज बना हुआ है। अब मकरध्वज बना हुआ है तो मकरध्वज को बना हुआ देख करके राम लक्ष्मण ने पूछा, अरे हनुमान ये कौन है? बोले महाराज जी मेरा पुत्र है। बोले पुत्र? तुमने पुत्र तुम्हारा पुत्र कब हो गया?
अरे महाराज क्या बताएं प्रभु, ऐसे ऐसे घटना है ये तब। बोले अच्छा तो हम इसे छोड़ो। अरे बोले आने नहीं दे, वो दंडी पुत्र है। देखिए ये शिक्षा है आजकल के पिताओं को कि अगर पुत्र उद्दंड हो जाए तो ऐसी पकड़ करके मार लगाओ, उसका उद्दंड बना निकालो, बांध करके हाथ पैर डाल दो, सुनता नहीं है इसको, मार दो चार चेन लगाओ, दो चार चेन उधर ढंग से मार लगाओ। बोले उद्दंडी पुत्र था, पिता के सामने बोल रहा था, हम कह रहे थे हम तेरे पिता है, हमको अंदर जान दे, जाने नहीं दे रहा था। हाँ हमने लगाई मार, पूछ में बांध लिया महाराज। बोले भगवान, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, राम जी ने कहा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जल्दी छोड़ो जल्दी छोड़ो, खड़ा हो। रमकर ध्वज हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, बोले प्रभु आज्ञा आदेश। बोले ऐसा है, रावण मर गया, वहां भी राम ने देखी, राम राम राज की परिकल्पना कितनी अच्छी है कि राम ने कहीं पर जहां कहीं भी गए वहां पर उन्होंने स्वयं का शासन नहीं चलाया, बल्कि वहीं के किसी व्यक्ति को डिप्यूट किया है, वहीं पर उन्होंने किसी व्यक्ति को उसका राज तिलक किया और मकर ध्वज का वहीं पाताल लोक में बैठा दिया कि तू आज से राजा बन गया, तू यहां की शासन प्रणाली चला धर्म के अंतर्गत। हनुमान जी महाराज वहां से राम और लक्ष्मण को लेकर के आए हैं। संजीवनी मूटी इत्यादि तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जरा विचार करिए। हनुमान जी महाराज की ये वो कथाएं हैं जो आपने कहीं नहीं सुनी। हनुमान जी महाराज का एक नाम आता है कि देख कर निपुण कभी, ओ बड़ा सुंदर है। हाँ वो रावण के बाद में गए, कहते मरकट पहले गए, बोले नाथ एक आवा कभी भाई।